Yeah, good evening. This is the continuation video of exercise 7.4. Question number 5th, I can give you hint, but if you will take A as center, give me that register. If you will take A as center, then the coordinates of P, Q and R are P ke coordinate hai beta by taking A as origin, A as center, P ke coordinate hai 4, 6, Q ke hai 3, 2 और R के हैं 6, 5. मैं यहाँ पर हिंट लिख देता हूँ आपको, फोर्थ में अगर आप A को सेंटर लेते हैं, अगर आप कैपिटल A को सेंटर लेते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉरी, अगर आप A को सेंटर लेते हैं तो P, Q और R के हमने एक्सक्यूज मी सर, देयर इज ऑब्जेक्शन. P के कोऑर्डिनेट है 4, 6, Q के हैं 3, 2 और R के हैं 6, 5. बेटा रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस. इफ यू आर लुकिंग एट रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम पॉइंट, मे बी बल्ब लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड और एनीथिंग, देन यू कैन चेंज योर पोजीशन, देन रिफ्लेक्शन वोंट बी देयर. बट इन कैमरा इफ रिफ्लेक्शन इज कमिंग देन ओनली टेल मी. यस सर, इन कैमरा रिफ्लेक्शन वाज कमिंग. Okay, class, what you have to do, I have taken coordinates by taking A as origin, ab PQR ka area nikal dena aap, right? Aur agar aap C ko origin lete hain, to thoda sa numbering aapko likhni padegi, jaisa ki aap dekh sakte hain, is book mein humne likhi hai. Agar C ko origin liya hai, to dhyan se is figure pe zoom kijiye, aise numbering aapko likhni padegi. Ye dhyan rakhna. Theek hai? ये ध्यान रखिएगा. तो अगर C को बेटा हमने ओरिजिन लिया है तो पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं 12, 2, Q आ रहा है 10, 3 और R आ रहा है 13, 6. दो स्टूडेंट हु आर बिजी नोटिंग डाउन, प्लीज फोकस हियर, अदरवाइज यू विल मिस दिस क्वेश्चन. व्हाट यू गॉट टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इन बोथ द केसेस, और फर्स्ट पार्ट में तो ओरिजिन बताने थे. तो बेटा एरिया आप निकालना और मुझे बता देना कि एरिया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, अगर आप इसका हिंट लेना चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, हिंट ही दूंगा, सॉल्व आपको करना है. आई एम रीडिंग क्वेश्चन फॉर यू. द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 4, 6, 1, 5 एंड C 7, 2. अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC एट D and E रिस्पेक्टिवली. यू हैव टू, मतलब इट इज गिवन, रेशियो इज ऑल्सो गिवन, वन रेशियो 4, और एरिया निकालना है. तो एक काम कीजिए क्लास, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए. शालीन आप साथ साथ करके मुझे आंसर भी बता सकते हो. B दिया हुआ है बेटा 1, 5 और C दिया हुआ है 7, 2. अब क्लास करना क्या है, आपने अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट AB को इंटरसेक्ट, ऐसे कोई लाइन है सपोज, जो मान लीजिए AB को D पे और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है, और कुछ ऐसे कर रही है, ये जो रेशियो है ना बेटा AD बाय AB, तो ये पूरा दिया होगा 1/4, ध्यान दीजिए. तो ये DB बताइए कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे दे रखा है. और AE बाय AC, ये 1 यूनिट दिया है, ये 4 यूनिट दिया है, तो ये भी 3 यूनिट. अब क्लास आपको करना क्या है, जो ADB लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल फिगर बना लेना है कुछ ऐसे, जिसमें A के कोऑर्डिनेट है 4, 6, B के हैं 1, 5, D के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं. मैं पूरा नहीं कर रहा, बस मैं आपको D और E के कोऑर्डिनेट निकाल के बता रहा हूँ, राइट. तो AD 1 यूनिट है, तो M1 हमारा बेटा 1 है, और अभी अभी AB दिया हुआ था 4, और मैंने यहां से ये निकाल दिया 3, राइट. ये ध्यान रखना. तो अब यहां से D के पॉइंट सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे. अब मैं लिख नहीं रहा, x इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये हो जाएगा 1 × 1 m1 x2, आप सभी को पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2, 1 × 1 प्लस 3 × 4, 1 × 1 प्लस 3 × 4 अपॉन 1 प्लस 3,
बेटा मैंने सेक्शन फार्मूला लगाया, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए सेक्शन फार्मूला। और वाई होगा एम वन वाई टू मतलब वन इंटू फाइव प्लस एम टू वाई वन थ्री इंटू फोर अपॉन वन इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू सिक्स सॉरी थ्री इंटू सिक्स अपॉन वन प्लस थ्री राइट। सो दिस इज वन प्लस ट्वेल्व बाय फोर और ये आ गया फाइव प्लस थ्री सिक्स द एटीन बाय फोर एक्स आ गया बेटा थर्टीन बाय फोर और वाई आ गया ट्वेंटी थ्री बाय फोर। तो हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं थर्टीन बाय फोर और ट्वेंटी थ्री बाय फोर। ऐसे ही बेटा ई के कोऑर्डिनेट निकालें ठीक है। ई के कोऑर्डिनेट के लिए लाइन सेगमेंट बनाइए, ए है फोर सिक्स जो कि है एक्स वन वाई वन, सी है सेवन कॉमा टू जो कि है x2 y2, यहाँ कोई पॉइंट है कैपिटल ई, ये रेशो ध्यान से देखो बेटा ये 1 है और ये 3 है, ये m1 है और ये m2 है, e के मान लो x डैश y डैश। अब हमें x डैश y डैश निकालना है तो बेटा x डैश वही होगा है सेक्शन फार्मूला लगाओ m1 x2 1 इंटू सेवन प्लस 3 इंटू फोर अपॉन वन प्लस थ्री और y डैश m1 y2 यानी कि 1 इंटू टू प्लस 3 इंटू सिक्स अपॉन वन प्लस थ्री डोंट स्पीक इन बिटवीन। तो x डैश आ जाएगा 8 प्लस 12 20 बाय 4 x डैश आ गया 5 और बेटा y डैश आ गया 3 प्लस 18 कितना हो गया बारह प्लस सात नाइनटीन गुड समबडी इज अवेकन। तो वाई डैश आ गया है 20 बाय 4। तो बेटा ये ई के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 19 बाय 4 और कॉमा 5। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एरिया निकालने में शालीन क्योंकि फ्रैक्शन में है राइट। तो अब आपको करना क्या है, आपके पास सारे वर्टेक्स आ गए हैं ए के डी के ई के, तो ए डी ई का एरिया निकालिए वहाँ से और इसके अलावा ए बी सी का एरिया भी निकालिए और फिर मुझे कंपेयर करके बताइए एरिया कितना आ रहा है। एरिया के लिए आपको पता ही है हाफ मॉडुलस वाला फार्मूला, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एरिया निकालिए और मुझे बताइए। थैंक यू क्लास।